दोस्तों, बेरोजगारी बहुत बुरी चीज होती है। लोग जब बेरोजगार होते हैं तो ना वो मंदिर देखते हैं, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च। जहां उनको मौका मिलता है वहां पे ही अपना हाथ साफ कर देते हैं। जैसे कि लखनऊ के इस मंदिर में एक चोर ने हाथ साफ कर दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जब ये चोर चोरी कर रहा था तो वहां पे सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो गया कि कैसे चोर जो है वो मंदिर का गेट खोलकर अंदर घुसता है और मंदिर में रखे हुए 4-5 दान पेटी जो है उसे वो अपने हिसाब से खाली कर देता है। वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए इस वीडियो को। मामला जो है वो लखनऊ के एक मंदिर का है और आगे क्या खबर है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले देखिए इस वीडियो को। वीडियो देख लिया आपने, मामला लखनऊ के सानी देव मंदिर का है, जहां पे एक चोर ने मंदिर के 4-5 दान पेटी को खाली कर दिया। और मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी कितना खतरनाक होता है। आपको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप मंदिर मस्जिद नहीं देखते, आपकी आंखों में सिर्फ पैसा ही पैसा आपको दिखाई देता है। और वही सब कुछ देखने को मिला कि इस मंदिर में कैसे एक चोर ने हाथ साफ कर दिया, 4-5 दान पेटी को खाली कर दिया। जिसको लेकर खबर क्या है वो देखिए आप, भारत समाचार ने लिखा है। भारत समाचार ने लिखा है, लखनऊ सानी देव मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। सरोजिनी नगर क्षेत्र सानी मंदिर के दान पात्र से चोरी, 4 से 5 दान पात्र के ताले तोड़ निकाले नगद। चोर चोरी करते चोर का तस्वीर भी आया सामने। सरोजिनी नगर थाने क्षेत्र का मामला, ये मामला जो है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, जहां पे एक चोर ने मंदिर में घुसकर 4 से 5 दान पात्र जो है उसे वो उसने खाली कर दिया। और आपने देखा कि किससे खामोशी के साथ ये काम किया जा रहा था, और इसको लेकर लोगों ने कमेंट भी वही किया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी जब फैलेगी तो आपको अपराध भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपराध जो भी होता है वो पैसे के लिए होता है। और बेरोजगारी जब फैलती है तो ऐसे ही नजारे आपको देखने को मिलते हैं कि मंदिर को भी नहीं छोड़ा जाता है। इस मंदिर पे हजारों लाखों लोग अपना पैसा जो वो दान करते हैं, वहां पे भी चोर जो है वो चोरी कर जाते हैं, अपना हाथ साफ कर जाते हैं। और वही आपको लखनऊ में भी देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।